नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। सेहत से जुड़ी बहुत काम की बातें और घरेलू उपाय। नंबर एक, रात को अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम रहता है। नंबर दो, अंडे में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाने से बाल सिल्की हो जाते हैं। नंबर तीन, बच्चों को ज्यादा समय तक मोबाइल का यूज ना करने दें, इससे बच्चों की नजर कमजोर हो जाती है और सर दर्द और चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। नंबर चार, कच्ची मूली का सेवन करने से दिमाग तेज होता है। नंबर पाँच, अगर मसलों की समस्या हो तो एलोवेरा जेल से मसाज करें। नंबर छह, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस हो तो आप पानी में नींबू और काला नमक मिलाकर पिएं। नंबर सात, दालचीनी का उपयोग करने से आप निरोगी रहेंगे। नंबर आठ, अगर किचन में काम करते समय हाथ जल जाए तो नारियल का तेल लगाने से आराम मिलता है। नंबर नौ, जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत है वह थोड़ा सा गुड़ का सेवन करें, इससे खाना भी हजम हो जाता है और शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। नंबर दस, यदि स्वस्थ रहना है तो शराब, धूम्रपान और बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए। नंबर ग्यारह, कभी कभी बादाम या अखरोट को भिगोकर सेवन करते रहें, इससे जोड़ों की ग्रीस अर्थात ताकत बनी रहती है और अखरोट सेहत के लिए जरूरी है। नंबर बारह, घर में फ्रिज में कम से कम सामान रखने का प्रयास करें, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई चीजें खाने से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। नंबर तेरह, चाय कॉफी की जगह गुनगुना पानी, नींबू पानी, छाछ, जूस और सूप का सेवन लाभकारी होता है। नंबर चौदह, सुबह खाली पेट कभी भी चाय, कॉफी, चटपटा या मुख्य आहार का सेवन ना करें। नंबर पंद्रह, अपने बच्चों को स्वस्थ फल और साबुत अनाज और दूध से बनी चीजें खिलाएं ताकि उनमें स्वस्थ आंतें विकसित हो सके। नंबर 16, भोजन करते समय संयम रखें, छोटी रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करके और पूरी तरह से चबा कर खाएं, इससे आपका भोजन आसानी से पच जाता है और खाना खाने के बाद पेट भारी भी नहीं लगता है। नंबर 17, सुबह का नाश्ता ही आपके स्वास्थ्य की पहचान है, इसलिए नाश्ता कभी ना छोड़ें, अच्छा प्रोटीन युक्त नाश्ता करें। हमेशा नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए जिससे आपको बार बार कुछ खाने की आवश्यकता ना पड़े। नंबर 18, खाना अधिक नहीं खाएं, आहार में दही, ग्रीन टी, हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा लें, खाना हमेशा कम खाएं लेकिन पौष्टिक आहार खाएं। नंबर 19, रात को नाभि में तेल डालने से दिमाग तेज होता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नंबर 20, सोने से पहले अपने हाथों पैरों को धोकर पोंछ लें और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सो जाएं। नंबर 21, पानी सदा बैठकर धीरे धीरे पिए, एकदम से ना गटके। नंबर 22, रात का भोजन जल्दी खा लेने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 23, पैरों के तलवे में सरसों के तेल से मालिश करने से आँखों को गजब का फायदा मिलता है। नंबर 24, मल मूत्र का त्याग बैठकर करें और उस समय दांत को दबाकर रखें। नंबर 25, आप जब भी कोई मिठाई खाएं तो कुल्ला अवश्य करें। नंबर 26, रोजाना थोड़ी देर तक उंगलियों की नाखूनों को आपस में रगड़ने से बाल हमेशा काले रहते हैं। नंबर 27, टमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है और यह आंखों और त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 28, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 29, अगर चूहों से परेशान हैं तो पुदीने को कुचलकर हर दरवाजे के किनारे पर रखते, इससे चूहे नहीं आएंगे। नंबर 30, जो खाने को तेजी से खाते हैं उनका खाना जल्दी हजम नहीं हो पाता है और वह जल्दी ही मोटापे का शिकार होने लगते हैं। नंबर 31, जो पैदल ज्यादा चलते हैं उन्हें दिल की बीमारी नहीं होती है। नंबर 32, खाने की चीजों में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ता है। नंबर 33, प्रतिदिन एक्सरसाइज या फिर योग का अभ्यास जरूर करें, यह आपको कई गंभीर बीमारियों के खतरे से बचाए रखेगी। नंबर 34, रात में सोते समय अपने आसपास मोबाइल फोन ना रखें, इसमें कनेक्ट होने वाली रेडियो एक्टिव किरणें आपके दिमाग को सोते समय नुकसान पहुँचा सकती है। नंबर 35, खाना खाने के दौरान कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, खाना खाने के हमेशा आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। नंबर 36, दांतों की अच्छी देखभाल के लिए रात को सोने से पहले दांत साफ करें और उसके बाद एक गिलास पानी पीकर सो जाएं। नंबर 37,
अपने दिनचर्या में पानी की मात्रा बढ़ाएं। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। नंबर 38, अपने दिन के काम के बाद विश्राम करने का समय अवश्य निकालें। नंबर 39, कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करके भी कब्ज से राहत पाई जा सकती है। नंबर 40, सुबह नाश्ते में कुछ खाने के बाद ही आपको चाय पीनी चाहिए, नहीं तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। नंबर 41, रोज सुबह आपको सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। यह शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालने और पेट को साफ करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 42, सुबह भीगे हुए चने खाने से याददाश्त तेज होती है, साथ ही यह आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करते हैं। नंबर 43, छिलके वाली दाल सब्जियों से कोलेस्ट्रॉल हमेशा घटता है। नंबर 44, भोजन से पहले मीठा खाने के बाद में खट्टा खाने से शुगर नहीं होती है। नंबर 45, भैंस का कच्चा दूध पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 46, गैस की दिक्कत होने पर भोजन में अजवाइन डालना शुरू कर दें। नंबर 47, रात को सोने से पहले पैरों के तलवे पर तेल मलना लाभप्रद होता है। नंबर 48, अगर आपको जुकाम की दिक्कत हो तो रात को सोने से पहले अपनी नाक में गाय के घी की 1 से 2 बूंदे डालें। इससे जुकाम दूर होता है और आंखें और दिमाग मजबूत रहते हैं। नंबर 49, फ्रिज में रखे हुए ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। यह न केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि आपकी सेहत को भी कई नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 50, शाम के 6 बजे के बाद ज्यादा हैवी डाइट ना लें। नंबर 51, रात के समय दही का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे सर्दी खांसी और जोड़ों में दर्द हो सकता है। नंबर 52, खाना खाने के बाद सौंफ या फिर थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है। नंबर 53, ज्यादा चाय पीने की आदत हड्डियों को कमजोर बना देती है, इसलिए चाय का सेवन कम करें। इसकी जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। नंबर 54, सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन कम होता है। नंबर 55, अगर आप पूरे दिन में 2 चम्मच पीनट बटर खा लेते हैं तो आपके पूरे दिन की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलती है। नंबर 56, कब्ज की दिक्कत हो तो सुबह खाली पेट पानी पीकर कुछ देर एड़ियों के बल चलना चाहिए। नंबर 57, अगर आपको पेट की कोई दिक्कत हो तो मूंग या मसूर की दाल का ज्यादा सेवन करें। नंबर 58, रोजाना 1 कली लहसुन की खाने से पेट दर्द और गैस की दिक्कत नहीं होती है और वजन भी कम हो जाता है। नंबर 59, भोजन के बाद ब्रजासन पे बैठने से वात नियंत्रित होता है। नंबर 60, किडनी की बीमारी में खड़े होकर गिलास का पानी ना पिए। नंबर 61, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए राजमा, केला, पनीर, दूध, दही आदि का सेवन करें। नंबर 62, अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाएं। नंबर 63, भोजन के तुरंत बाद सोना बीमारियों को न्योता देता है। नंबर 64, प्रतिदिन मुंह में पानी भरकर जल से अपनी आंखों को धोएं, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 65, आप रोजाना 1 आंवले का सेवन जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।